सो फाइनली दोस्तों गदर 2 ने भाई साहब मचाया गदर ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, G5 क्रैश हो गया दोस्तों। कल ये फिल्म रिलीज हुई थी, आप मानोगे नहीं भाई साहब, पूरा का पूरा साइट क्रैश, मतलब मैं देख के हैरान, इतने ज्यादा करोड़ों लोग इस फिल्म को देख रहे थे एट ए वन टाइम, एट ए सेम टाइम दोस्तों। भाई कुल मिला के मजा आ गया, गदर ने गदर मचा दिया ओटीटी पे। और आप बिलीव नहीं करोगे भाई, इस ओटीटी फिल्म से ही लगभग 200 करोड़ का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है G5। आप हैरान होगे, 200 करोड़ का कलेक्शन, जी हां दोस्तों। और वो कैसे करेगी वो भी बताऊंगा, लाइक कमेंट करना, और अपने भाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो ना यार। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई लोगों, गदर जहां भी गई गदर मचाई, और जैसा कि नाम में ही लिखा है गदर, मतलब ये फिल्म बनी है साला गदर मचाने के लिए, जहां जाएगी वहां गदर मचाएगी। मतलब यार मैं हैरान हो गया हूं, कल 6 अक्टूबर था दोस्तों, और कल ये G5 के OTT पे फिल्म रिलीज हुई। भाई मैंने देखा, आप बिलीव नहीं करोगे भाई, शाम को ना पूरी साइट क्रैश हो गई, हैंग हो गया। मतलब भाई मेरे साथ तो जो मैंने अनुभव किया वो बता रहा हूं, भाई स्टक हो गया। कुल मिला के मैं हैरान हो गया कि यार नेटवर्क स्लो है मेरा, ये क्या सीन हो रहा है भाई। देखा ना तो बहुत से करोड़ों लोग देख रहे थे इस फिल्म को, मतलब पूरा भारत एक टाइम पे गदर 2 को देख रहा था। जैसे कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो हमने गदर को थिएटर में देखा था दोस्तों, लोगों ने लैपटॉप पे अपनी फैमिली के साथ LED की टीवी पर फैमिली के साथ एक साथ बैठकर एंजॉय करते हुए, साथ ही साथ OTT पे, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि सब्सक्रिप्शन अमाउंट कम होता है G5 का, ऑल दो नेटफ्लिक्स और अमेजोन से तो कम ही प्राइस है, फिर भी दोस्तों लोगों ने इस फिल्म को देखने के लिए 150 रुपये का रिचार्ज करवाया। और आप मानोगे नहीं भाई साहब कि आखिरकार 150 रुपये में पूरी फैमिली एक साथ बैठ कर जब इस फिल्म को देखा, लोगों का अनुभव कुछ और ही था। लोग भाई साहब झूम गए, और दिल झूम झूम हो गया भाई, दिल गार्डन गार्डन हो गया। मतलब फिल्म गदर 2 ने जो गदर मचाया था, वाकई में OTT पे गदर मचा रही है। एक और आपको गुड न्यूज बता दूं भाई, कि ये फिल्म गदर 2 जो OTT पर रिलीज हुई है ना, ये थिएटरिकल रिलीज से काफी अलग है। मतलब इसका जो वर्जन है थोड़ा उसमें चेंजेस किए गए हैं। हमने थिएटर में कई ऐसे चीजें देखी होगी, लाइक पिक्चर का क्वालिटी देखा होगा, उसका VFX देखा होगा, साथ ही साथ दोस्तों उसका एक्शन बैकग्राउंड म्यूजिक तो सुना होगा जब हम थिएटर में थे। लेकिन दोस्तों OTT पर जब यह फिल्म रिलीज हुई है, इसमें बहुत सारे चेंजेस मैं नोट करके लाया हूं, जो मैंने नोट किया सोचा आपके साथ शेयर करूं। भाई सबसे पहले मैंने एक चीज देखी है कि गदर 2 के फिल्म मेकर ने जो कंटेंट OTT पे रिलीज किया गया कल, उसके VFX में काफी ज्यादा मुझे थोड़ा सा एक सुधार देखने को मिला दोस्तों। मतलब काफी ज्यादा क्वालिटी को और एनहांस किया गया, HD में किया गया, और VFX पर दोस्तों काम किया गया, VFX में मुझे सुधार देखने को मिला, और शायद अनिल शर्मा ने इस बात का ध्यान रखा। उसके बाद दोस्तों एक्शन सीन्स ने कुछ और बदलाव, जो अनकट वर्जन थे, जो ऐसे वर्जन थे जो थिएटर में नहीं दिखाए गए, उस वर्जन को भी डाला गया। मतलब कुछ आपको यहाँ पे आपको लेंथ भी दोस्तों थोड़ी बढ़ती हुई नजर आएगी, जो मैंने नोट किया। कुछ एक्शन सीन्स जो मैंने मिस किया था थिएटर में दोस्तों, आज मैंने यहाँ देखा कि यार ये कुछ अलग सा मुझे एक्शन सीन्स लगा। साथ ही साथ दोस्तों इसकी एडिटिंग भी काफ़ी सुधार आ चुका है। इसके अलावा एक्शन सीन्स और जो बैकग्राउंड म्यूजिक के टाइम जो एक्शन सीन्स थे भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक में भी काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले। तो ये चीज जो मैंने नोट किया दोस्तों वो आपको बता रहा हूं। साथ ही साथ एक और बड़ी गुड न्यूज भाई लोगों, कि ये फिल्म का 58 डेज है, और 58 डेज भी यार गदर 2 थिएटर में गदर मचा रही है। मतलब बेटे की फिल्म तो गदर मचा रही है, बाप तो पहले से गदर मचा ही रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि ये फिल्म OTT पे रिलीज तो हो ही चुकी है, लेकिन उससे पहले इस फिल्म ने बहुत सारे राइट बेचे हैं अपने, लाइक म्यूजिक के राइट, सैटेलाइट राइट, और दोस्तों थिएटिकल राइट। थिएटिकल राइट से में 500 करोड़ के पार जा चुके हैं, नेट में पठान अठान और सबके रिकॉर्ड, फेक कलेक्शंस के रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि गदर 2 फिल्म है, जी हां दोस्तों, OTT से कैसे कमाए 200 करोड़। भाई देखो OTT पे बहुत सारे राइट होते हैं, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव है। OTT बेसिकली खुद जी वालों का है, G5 के मल्टीपल चैनल्स है, मल्टीपल OTT प्लेटफॉर्म्स है। तो दोस्तों जी वाला तो जाहिर सी बात है यार, जब अपने पास है, अपने पास खुद की खोली है, तो काहे की जरूरत है पे भाड़े पे लेने की। तो भाई जी वालों के पास है ना, वो जहां 100 करोड़ कमाएगा, अपने ही खोली से, अपने ही OTT से 200 करोड़ कमा लेगा। तो भाई लोगों, जी वालों के पास खुद का प्रोडक्शन होने के बावजूद खुद का OTT था, वहां इन्होंने रिलीज किया। हालांकि OTT पे कंटेंट दो तरीके से रिलीज होते हैं, एक्सक्लूसिव राइट और इंक्लूसिव राइट। दोस्तों इंक्लूसिव राइट वो होता है जिसमें मान के चलो एक गदर 2 जी वालों का खुद का प्रोडक्शन हाउस है, तो उन्होंने खुद को एक्सक्लूसिव राइट दिए, मतलब अपने चैनल पर पहले दिखा दिया और 100 करोड़ कमा लिया।
है। उसके बाद दोस्तों ये क्या काम करेगी, इंक्लूसिव राइट से सारे चैनलों को, सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म को दे देगी, लाइक नेटफ्लिक्स को, लाइक अमेजोन को, लाइक वूट को, लाइक एमएक्स प्लेयर को, तमाम मल्टीपल ओटीटी को देख के बोलेगी कि भाई उससे डील नहीं होगी, उससे कलेक्शंस नहीं होगा, उससे ये डीलिंग होगी कि भाई जितने व्यूज आएंगे उस हिसाब से मैं पैसा दे दियो। और दोस्तों आपको बता दूं कि जब ये फिल्म ओटीटी अपने खुद के ओटीटी से 100 करोड़ रुपए कमा लिए जी वालों ने, तो भाई 100 करोड़ अगर इन सारे राइट पे दे देगी, व्यूज बेस पे पैसा कमाएगी, तो आराम से 100 करोड़ कमा लेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि 58 डेज हो चुके हैं और भाई साहब ये फिल्म जो है ना गदर मचा रही है थिएटर के अंदर। मतलब मैं देख सकता हूं कि दिल्ली के द्वारका जैसे एरिया के अंदर भी भाई साहब इतने ज्यादा हाउसफुल चल रहे हैं। आप देखो यार स्क्रीनशॉट भगवा भाई, हर जगह भगवा। मतलब ये फिल्म दोस्तों ओटीटी पे धूम मचा रही है और थिएटर में गदर मचा रही है, दोनों चीजें एक साथ चल रही है। मैं तो ये सोचा था कि कल ये फिल्म ओटीटी पे आ जाएगी, उसके बाद दोस्तों थिएटर में बंद, लेकिन आज भी देख रहा हूं यार शोज काफी अच्छे हैं। दिल्ली में 10-12 शोज चल रहे हैं, कल भी दोस्तों लगभग मैं 11-12 शोज देख रहा हूं। तो अगर ऐसे कलेक्शंस आ रहे हैं विच इज अमेजिंग दोस्तों, स्क्रीनशॉट देख सकते हो दोस्तों, ये देखो यार हर जगह भगवा, हर जगह ऑक्यूपेंसी रेशियो भी मॉर्निंग की शो में मैंने जो देखा लगभग 12% की ऑक्यूपेंसी थी। भाई एक ट्रस्ट मेरे को स्कालनिक वाले पे होता ही नहीं दोस्तों, स्कालनिक वाले पे मैंने भरोसा करना बंद कर दिया, क्योंकि यार उसके रिपोर्ट में अभी सच्चाई बिल्कुल नजर नहीं आती मेरे को, सच्ची बता रहा हूं मैं। और इस बात को कंगना रनौत ने खुद एक्सपोज किया था। हालांकि दोस्तों गदर 2 का जो आज का कलेक्शन है लगभग 5 से लेकर 7 लाख का आएगा। इसके साथ ही दोस्तों गदर 2 इंडिया हिंदी बेल्ट से 528 करोड़ को क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों कुछ कलेक्शन साउथ में भी हुआ है उसका, तो साउथ में भी अगर बात करें, क्योंकि दोस्तों साउथ हिंदी बेल्ट से भी इसने कमाया है, साउथ एरिया से भी कमाया है, तो दोस्तों वहां से अगर बात की जाए तो काफी अच्छे कलेक्शन वहां से भी नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर गदर 2 ने गदर मचा दिया है, ओटीटी में जो चेंजेस थे मैंने आपको बता दिया है। क्या लगता है दोस्तों, क्या गदर 2 फिल्म, एक ऐतिहासिक फिल्म जो गदर 2 अभी भी 58 डेज पे गदर मचा रही है, क्या ये फिल्म कल का कलेक्शन 10 लाख क्रॉस कर पाएगी? लाइक कमेंट करके बताओ। और आपने क्या ओटीटी पे फिल्म को देखा, नहीं देखा तो भी कमेंट करके बताओ, और देखा तो क्या आपको भी कुछ चेंजेस लगा इसके लेंथ में, इसके टाइमिंग में, इसके एक्शन में, इसके VFX में कुछ सुधार नजर आया? लाइक कमेंट करके अपने भाई को प्यार दो, रवि चौधरी को, और इसी तरह थैंक यू यार प्यार भरे कमेंट के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर अ लवली कमेंट। जय हिंदुस्तान, जय भारत।